नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी की इस लेक्चर सीरीज में, इस लेक्चर में हम ट्यूरिंग मशीन के बारे में सीखेंगे। सर्वप्रथम इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सर्वप्रथम ट्यूरिंग मशीन मॉडल के बारे में जानेंगे। ट्यूरिंग मशीन द्वारा लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस के बारे में जानेंगे। विभिन्न तरीकों से ट्यूरिंग मशीन को प्रदर्शित करना सीखेंगे। ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना सीखेंगे। ट्यूरिंग मशीन मॉडल। ट्यूरिंग मशीन को एक रीड राइट हेड से जुड़े एक फाइनाइट कंट्रोल के रूप में देखा जा सकता है। इसमें एक टेप होता है जो कई सेल्स में विभाजित है। यहाँ पर दिखाए गए डायग्राम में आप ट्यूरिंग मशीन का बेसिक मॉडल देख रहे हैं। टेप का प्रत्येक सेल केवल एक सिंबल को रख सकता है। रीड राइट हेड एक सेल के सिंबल को पढ़ सकता है या फिर संशोधित कर सकता है। यह एक बार में बाएं या दाएं की तरफ एक सेल में स्थानांतरित हो सकता है। एक मूव में मशीन टेप पर रीड राइट हेड में उपस्थित सिंबल को तथा ऑटोमेटन की वर्तमान स्थिति को चेक करते हुए यह निर्धारित करती है कि रीड राइट हेड में उपस्थित सिंबल के बदले में कौन सा सिंबल लिखा जाएगा, रीड राइट मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट को या फिर राइट को, ऑटोमेटन की नई स्टेट कौन सी होगी। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। औपचारिक रूप से ट्यूरिंग मशीन को हम सात एलिमेंट्स के सेट M इक्वल टू क्यू सिग्मा गामा डेल्टा क्यू जीरो बी एफ के रूप में दिखाते हैं, जहां क्यू स्टेट्स के सेट को, सिग्मा इनपुट सिंबल्स को, गामा टेप सिंबल्स को, सिग्मा में ब्लैंक सिंबल इंक्लूड नहीं होगा तथा सिग्मा गामा का एक सबसेट होगा, डेल्टा क्यू क्रॉस सिग्मा से क्यू क्रॉस सिग्मा क्रॉस लेफ्ट राइट का जो सेट है इसमें ट्रांजिशन फंक्शन को, क्यू जीरो प्रारंभिक स्टेट को, डेल्टा ब्लैंक सिंबल को तथा एफ फाइनल स्टेट्स के सेट को दिखाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। हम ट्यूरिंग मशीन को तीन तरीकों से दिखा सकते हैं। मूव रिलेशन का प्रयोग करते हुए इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन द्वारा, ट्रांजिशन टेबल द्वारा, ट्रांजिशन डायग्राम द्वारा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन बाय इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन किसी समय पर ट्यूरिंग मशीन की स्थिति को बताता है। ट्यूरिंग मशीन की आईडी को संपूर्ण इनपुट स्ट्रिंग और वर्तमान स्टेट के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। माना कि स्ट्रिंग A1 अप टू AK-1, AK, AK+1 अप टू AN है। वर्तमान स्टेट QI है तथा रीड राइट हेड सिंबल AK में है। तो आईडी A1 अप टू AK-1, QI, AK, AK+1 अप टू AN होगी। इसे यहाँ पर दिखाए गए डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मूव्स इन ट्यूरिंग मशीन। आईडी का परिवर्तन एक मूव कहलाता है। मान लीजिए कि वर्तमान आईडी A1 अप टू AK-1 QI AK AK+1 अप टू AN है और ट्रांजिशन को डेल्टा QI AK इक्वल टू QJ AP L के रूप में परिभाषित किया गया है, तो हमारे पास निम्नलिखित मूव होगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन बाई ट्रांजिशन टेबल। ट्यूरिंग मशीन में ट्रांजिशन को टेबल की सहायता से भी दिखाया जा सकता है, जिसमें हम प्रत्येक स्टेट के लिए तथा प्रत्येक टेप सिंबल के लिए ट्रांजिशन दिखाते हैं। उदाहरण के लिए सिग्मा इक्वल टू AB, क्यू इक्वल टू Q0 Q1 यदि हों तथा निम्न ट्रांजिशन यदि दिए गए हों, डेल्टा Q0A इक्वल टू Q1 AR, डेल्टा Q1A इक्वल टू Q1 AR, डेल्टा Q1B इक्वल टू Q2 BR, डेल्टा Q2B इक्वल टू Q2 BR, डेल्टा Q2 डेल्टा इक्वल टू Q3 डेल्टा R। तो ट्रांजिशन टेबल दिखाए गए तरीके से बनाएंगे, जिनमें स्टेट तथा टेप सिंबल के लिए आउटपुट दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन बाय ट्रांजिशन डायग्राम। हम ट्यूरिंग मशीन को ट्रांजिशन डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं, उसी तरह से जैसा कि हमने DFA और NFA के निर्माण के लिए किया था। स्टेट्स को सर्कल या वर्टिसेस द्वारा दर्शाया जाता है।
और ट्रांजिशंस एजेस द्वारा दर्शाए जाते हैं। एज का लेबल एक्स वाई जेड लिखा जाता है, जहाँ पर एक्स तथा वाई गामा की कोई स्ट्रिंग होगी तथा जेड लेफ्ट अथवा राइट एल और आर में से कोई सिंबल होगा। कोई डायरेक्टेड एज क्यू आई से क्यू जे में जिसका लेबल एक्स वाई जेड हो का अर्थ है कि स्टेट क्यू आई तथा सिंबल एक्स के लिए आउटपुट स्टेट क्यू जे होगी। टेप सिंबल एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे तथा जेड की वैल्यू के अनुसार हेड लेफ्ट अथवा राइट को मूव करेगा। पिछले उदाहरण के लिए आप यहाँ पर ट्रांजिशन डायग्राम देख सकते हैं। लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी बाय ट्यूरिंग मशीन। एक ट्यूरिंग मशीन एम क्यू सिग्मा गामा डेल्टा क्यू जीरो डेल्टा एफ को लेते हैं। एम किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी यदि इनिशियल आईडी से हम ऐसी आईडी में पहुंच जाएं जिसकी स्टेट एक फाइनल स्टेट हो तथा मशीन वहां पर हाल्ट करे, अर्थात उससे आगे कोई ट्रांजिशन डिफाइन नहीं हो। यदि मशीन नॉन फाइनल स्टेट में हाल्ट करती है यह हाल्ट नहीं करती है तो टीएम डब्ल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। पूर्व के उदाहरण को लेते हैं जहां सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी गामा ए बी डेल्टा क्यू इक्वल टू क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री हों तथा निम्न ट्रांजिशन दिए गए हों। ट्रांजिशन आप 1 to 5 तक लिखे हुए देख रहे हैं। स्ट्रिंग डब्ल्यू इक्वल टू ए ए बी 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 की प्रोसेसिंग देखते हैं। इनिशियल आईडी Q0 A A B B B से प्रारंभ करते हुए हम A A B B B डेल्टा Q3 डेल्टा तक पहुँचे हैं। मशीन यहाँ पर हाल्ट करेगी क्योंकि यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है तथा क्योंकि Q3 एक फाइनल स्टेट है अतः मशीन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि कोई स्ट्रिंग B से प्रारंभ हो रही हो तो मशीन इनिशियल स्टेट में ही हॉल्ट करेगी क्योंकि इनिशियल स्टेट Q0 फाइनल स्टेट नहीं है अतः कोई भी स्ट्रिंग जो कि B से प्रारंभ हो रही हो वह एक्सेप्ट नहीं होगी। मशीन फाइनल स्टेट में तभी पहुंच पाएगी जब स्ट्रिंग में कुछ A हो तथा उसके बाद कुछ B हो। अतः इस मशीन द्वारा एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेज L इक्वल टू ए एम बी एन सच दैट एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब हम एक दूसरे उदाहरण के द्वारा ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना समझते हैं। यहाँ पर हमें लैंग्वेज L इक्वल टू ए एन बी एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। दी की लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने से पहले हम यह लॉजिक बनाएंगे कि किस प्रकार से ट्यूरिंग मशीन में मूव्स की सहायता से दी गई लैंग्वेज की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि ए तथा बी बराबर संख्या में आने चाहिए अतः प्रत्येक ए से प्रत्येक बी का मिलान करेंगे। यदि ए तथा बी बराबर संख्या में हैं तो अतिरिक्त ए अथवा बी टेप में नहीं बचने चाहिए। यही ट्रांजिशंस डिफाइन करने का आधार है। ऐसा करने के लिए हम निम्न स्टेप्स का प्रयोग करेंगे। यदि दिए गए इनपुट स्ट्रिंग डबल में सबसे बाईं ओर का सिंबल ए है तो इसे एक्स से बदलेंगे और तब तक दाईं ओर चलते रहेंगे जब तक हमें डब्लू में पहला बी न मिल जाए। इसे वाई में बदलेंगे और बाईं की ओर चलते रहेंगे जब तक हमें एक्स न मिल जाए। स्टेप वन को दोहराते रहेंगे। यदि कोई भी ए अथवा बी टेप में नहीं बचा हो तो फाइनल स्टेट में जाएंगे। यदि एक भी ए अथवा बी बचा हो तो मशीन नॉन फाइनल स्टेट में होगी। इन विचारों को अपने दिमाग में रखते हुए हम निम्नानुसार एक ट्यूरिंग मशीन का निर्माण करते हैं। स्ट्रिंग ए ए ए बी 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 का उदाहरण लेते हुए ट्रांजिशन फंक्शंस डिफाइन करते हैं। दिखाए गए डायग्राम में आप इनिशियल आईडी को देख रहे हैं। क्योंकि हमें सबसे बाईं ओर के ए को एक्स से बदलना है तथा दाईं ओर को जाना है तो यह याद रखने के लिए हमें स्टेट बदलने की आवश्यकता है। अतः ट्रांजिशन डेल्टा क्यू जीरो कॉमा ए Q1 XR होगा। दिखाए गए डायग्राम में आप ट्रांजिशन से पहले तथा बाद की आई डी 1 तथा 2 को देख रहे हैं। क्योंकि अब हमें केवल A को रीड करते हुए जाना है जब तक पहला B नहीं आ जाए अतः स्टेट बदलने की आवश्यकता नहीं है तथा ट्रांजिशन डेल्टा Q1 A इक्वल टू Q1 AR होगा। दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 2, 3, 4 देख रहे हैं।
पहला भी आने पर तथा उससे वाई से बदलना है तथा बाईं ओर फिर से प्रथम ए की तलाश में जाना है। इसे याद करने के लिए स्टेट बदलने की आवश्यकता है, अतः ट्रांजिशन डेल्टा क्यू वन बी इक्वल टू क्यू टू वाई एल होगा। दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 4-5 देख रहे हैं। क्योंकि आप केवल ए को रीड करते हुए बाएं जाना है, अतः जब तक एक्स नहीं आ जाए अतः स्टेट बदलने की आवश्यकता नहीं है तथा ट्रांजिशन डेल्टा क्यू टू ए इक्वल टू क्यू टू ए एल होगा। दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 5-6-7 देख रहे हैं। यहाँ पर फिर से दाईं तरफ जाकर ए आने पर पुराने प्रोसेस को फिर से प्रारंभ करना है, अतः हम क्यू जीरो स्टेट में जाएंगे तथा ट्रांजिशन डेल्टा क्यू टू एक्स इक्वल टू क्यू जीरो एक्स आर होगा। दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 7-8 देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन डेल्टा क्यू जीरो ए इक्वल टू क्यू वन एक्स आर पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, अतः दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 8-9 देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन डेल्टा क्यू वन ए इक्वल टू क्यू वन ए आर पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, अतः दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 9-10 देख रहे हैं। यहाँ से हमें वाई को छोड़ते हुए दाईं तरफ जाना है जब तक कि बी ना आ जाए। इसके लिए नया ट्रांजिशन डिफाइन करने की आवश्यकता है, अतः ट्रांजिशन डेल्टा क्यू वन वाई इक्वल टू क्यू वन वाई आर होगा। दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 10-11 देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन डेल्टा क्यू वन बी इक्वल टू क्यू टू वाई एल पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, अतः दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 11-12 देख रहे हैं। यहाँ से हमें वाई को छोड़ते हुए बाईं तरफ जाना है जब तक कि एक्स ना आ जाए। इसके लिए नया ट्रांजिशन डिफाइन करने की आवश्यकता है, अतः ट्रांजिशन डेल्टा क्यू टू वाई इक्वल टू क्यू टू वाई एल होगा। दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 12-13 देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन डेल्टा क्यू टू ए इक्वल टू क्यू टू ए एल पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, अतः दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 13-14 देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन डेल्टा क्यू टू एक्स इक्वल टू क्यू जीरो एक्स आर पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, अतः दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 14-15 देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन डेल्टा क्यू जीरो ए इक्वल टू क्यू वन एक्स आर पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, अतः दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 15-16 देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन डेल्टा क्यू वन वाई इक्वल टू क्यू वन वाई आर पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, अतः दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 16-17-18 देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन डेल्टा क्यू वन बी इक्वल टू क्यू टू वाई एल पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, अतः दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 18-19 देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन डेल्टा क्यू टू वाई इक्वल टू क्यू टू वाई एल पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, अतः दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 19-20-21 देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन डेल्टा क्यू टू एक्स इक्वल टू क्यू जीरो एक्स आर पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, अतः दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 21-22 देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सारे ए समाप्त हो चुके हैं तथा आई डी की इस स्थिति के लिए ट्रांजिशन डिफाइन नहीं किया हुआ है, अतः नया ट्रांजिशन डेल्टा क्यू जीरो वाई इक्वल टू क्यू थ्री वाई आर होगा। दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 22-23 देख रहे हैं। यहाँ पर से हमें यह देखना है कि दाईं तरफ के सारे वाई बचे हैं और अंत में यदि ब्लैंक आ जाए तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी तथा मशीन फाइनल स्टेट पे जाएगी, अतः दो नए ट्रांजिशंस डिफाइन करेंगे। पहला डेल्टा क्यू थ्री वाई इक्वल टू क्यू थ्री वाई आर जो केवल वाई को रीड करेगा। दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 23-24-25 देख रहे हैं। दूसरा डेल्टा क्यू थ्री डेल्टा इक्वल टू क्यू फोर डेल्टा आर अंत में ब्लैंक आने पर मशीन को फाइनल स्टेट क्यू फोर में भेजेगा। दिखाए गए डायग्राम में आप मूव्स 25-26 देख रहे हैं। इस उदाहरण का प्रयोग करते हुए हमने सभी विकल्पों को देखा और ट्रांजिशंस डिफाइन किए, अतः अब हम ट्यूरिंग मशीन को व्यवस्थित रूप में दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इसके लिए ट्रांजिशन टेबल दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं तथा इसे हम ट्रांजिशन डायग्राम की सहायता से भी दिखा सकते हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम स्ट्रिंग W इक्वल टू ए ए बी बी की प्रोसेसिंग देखते हैं। क्यू जीरो ए ए बी बी इनिशियल आई डी से हमने प्रारंभ किया है और अंत में एक्स एक्स वाई वाई डेल्टा Q
Q4 डेल्टा इस आईडी में हम पहुंचे हैं। मशीन यहां पर हाल्ट करेगी क्योंकि Q4 से कोई भी ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है तथा क्योंकि Q4 एक फाइनल स्टेट है, अतः मशीन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। इस प्रकार से आप किसी भी दी हुई लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर में आपने ट्यूरिंग मशीन के बेसिक मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट करने के विभिन्न तरीके तथा ट्यूरिंग मशीन द्वारा लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के बारे में सीखा। धन्यवाद।